हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार पंडित। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, आज आपका दोस्त एक वीडियो लेकर आया है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लड़के ने कमेंट किया कि आज एक ऐसा वीडियो बनाया जाए इंटर्नशिप के से, कि इंटर्नशिप करने का क्या फायदा होता है, क्या जॉब लेने में कुछ जैसे कि बेनिफिट होता है कि नहीं, कुछ जॉब लेने में आसानी रहेगा या नहीं। जैसे कि इंटर्नशिप हमने किया 2 मंथ का, 6 मंथ का किसी कंपनी में, तो क्या कोई फायदा रहता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, क्या है कि लड़के 4 साल के इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि हमने 3 साल इंजीनियरिंग किया, 4 साल फाइनल ईयर में एक इंटर्नशिप हमें कर लेना चाहिए ताकि आगे जॉब लेने में कुछ बेनिफिट रहे, कुछ कंपनी का आइडिया मिल सके हमें। बहुत सारे लड़के क्या है कि 4 ईयर फाइनल इंटर्नशिप, जैसे कि 4 ईयर कंप्लीट इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद सोचते हैं कि हमें एक इंटर्नशिप कर लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर ये सारे बात पर हम लोग आज जैसे इस सारे पॉइंट पे हम लोग इंटर्नशिप के पूरा पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या कब करना चाहिए इंटर्नशिप, क्या बेनिफिट है। तो देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सोनू सॉफ्ट को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट डेली अपडेट आते रहे और आपके पास मिलते रहे अच्छे से अच्छे अपडेट। देखिए दोस्तों, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि हमें एक इंटर्नशिप कर लेना चाहिए, जिसे किसी भी कंपनी से 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ का इंटर्नशिप कर लेना चाहिए। इंटर्नशिप का फायदा यही होता है कि आपका कुछ आइडिया हो जाता है, ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है इंटर्नशिप का, लेकिन थोड़ा ये होता है कि जैसे फाइनल ईयर में है तो आप इंटर्नशिप कर लेते हैं तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में आइडिया हो जाता है कि कैसे रहना पड़ता है, कैसे काम करना पड़ता है। बहुत सारा इंटर्नशिप क्या करता है कि ऑनलाइन दे देता है, जैसे कि आपको ऑनलाइन ऑफर लेटर दे देगा, ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएगा। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं कि इंटर्नशिप करना फाइनल ईयर में बहुत अच्छी बात है। क्या है कि इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट रहेगा तो कुछ फायदा होगा, ज्यादा तो फायदा नहीं लेकिन कुछ फायदा होगा। बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि 4 साल जैसे कंप्लीट इंजीनियरिंग करने के बाद, बीसीए 3 साल कंप्लीट करने के बाद हम इंटर्नशिप कोई कर लेंगे। तो देखिए, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप का ना ही सोचे तो बेटर है। क्या है कि डायरेक्ट आपको जॉब खोजना चाहिए, जॉब के पास यानी जॉब के लिए सर्च करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, अच्छे कोर्सेस करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, देखा जाए तो इंटर्नशिप का यही फायदा है कि अगर आप फाइनल ईयर में है तो इंटर्नशिप कर लेते हैं तो अच्छा है। अब क्या होता है कि इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया आपका, जैसे इंजीनियरिंग 4 साल कंप्लीट हो गया और आप जॉब के लिए जाते हैं, तो हमारे इंटर्नशिप के लिए क्या फायदा है? क्या हम फ्रेशर के साथ इंटरव्यू देना पड़ेगा या डायरेक्ट हमको स्पेशल कॉल करेगा एचआर इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 मंथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, और क्या है कि या 6 मंथ इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, बहुत सारे लड़के क्या कहते हैं कि इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस में काउंट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्या है कि इंटर्नशिप अलग हो जाता है, एक्सपीरियंस अलग हो जाता है। जैसे कि लड़के 6 मंथ जैसे इंटर्नशिप किए तो वो काउंट करते हैं कि 6 मंथ हमने क्या क्या एक्सपीरियंस है हमारे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। रियल टाइम प्रोजेक्ट, रियल टाइम एक्सपीरियंस इंटर्नशिप में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या है कि बहुत इंटर्नशिप में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं दिया जाता, ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए आजकल करा दिया जा रहा है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप करते हैं तो आपको बस कुछ ज्यादा फायदा नहीं रहेगा। अभी के डेट में देखा जाए तो बहुत सारे आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी यही बोल रही है कि अगर एक्सपीरियंस भी है ना आपके पास तो 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तब भी आप फ्रेशर ही हैं और फ्रेशर के साथ ही इंटरव्यू दे सकते हैं, आपके लिए कोई स्पेशल सेवा सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। या आपके पास जैसे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है किए हैं तब भी आपको कोई स्पेशल सर्टिफिकेट जैसे कि स्पेशल कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपको जो जैसे इंटर्नशिप किया है या जो नहीं किया है या जो फ्रेशर है, सबको साथ ही में इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप उस इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं तभी आपको उस पोस्ट के लिए चूज किया जाएगा या फिट किया जाएगा, आप वहाँ उस पोजिशन पर काम कर सकते हैं। तो अगर आप इंटर्नशिप नहीं किया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्या है कि इंटर्नशिप भी नहीं किया है तो कोई बहुत बड़ा गलती नहीं किया है, कोई आज जो कर भी लिया है वो भी बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है। तो देखिए दोस्तों, इंटर्नशिप अगर आप फाइनल ईयर में सबसे सुटेबल रहता है, फाइनल ईयर में कर लेते हो तो अच्छा है, अदरवाइज बाद में इंटर्नशिप के चक्कर में नहीं पड़ रहे, डायरेक्ट जॉब को जॉब पे जाइए, जॉब खोजिए, यानी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए, जॉब के लिए सर्च कीजिए और डायरेक्ट जॉब फुल टाइम रियल टाइम पे वर्क कीजिए, आपको अच्छा रहेगा। हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।